नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेरणादायक कहानी। तीसरा समझदार मित्र। बहुत समय पहले की बात है, दो दोस्तों को एक बहुत बड़े खजाने का नक्शा मिला। खजाना किसी रेगिस्तान के बीचों बीच था। दोनों ने योजना बनाना शुरू की। खजाने तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा समय लगता और रास्ते में भूख प्यास से मर जाने का भी खतरा था। बहुत विचार करने पर दोनों ने तय किया कि इस योजना में एक और समझदार दोस्त को शामिल किया जाए, ताकि वे एक और ऊंट अपने साथ ले जा सके, जिस पर खाने पीने का ढेर सारा सामान भी आ जाए और खजाना अधिक होने पर वे उसे ऊंट पर ढो भी सके। पर सवाल ये उठा कि चुनाव किसका किया जाए। बहुत सोचने के बाद मुकेश और सुरेश को चुना गया। दोनों हर तरह से बिल्कुल एक तरह के थे और कहना मुश्किल था कि दोनों में अधिक बुद्धिमान कौन है। इसलिए एक प्रतियोगिता के जरिए सही व्यक्ति का चुनाव करने का फैसला किया गया। दोनों दोस्तों ने उन्हें एक निश्चित स्थान पर बुलाया और बोले, आप लोगों को अपने अपने ऊंट पर सवार होकर सामने दिख रहे रास्ते पर आगे बढ़ना है। कुछ दूर जाने के बाद ये रास्ता दो अलग अलग रास्तों में बांट जाएगा, एक सही और एक गलत। जो इंसान सही रास्ते पर जाएगा वही हमारा तीसरा साथी बनेगा और खजाने का एक तिहाई हिस्सा उसका होगा। दोनों ने आगे बढ़ना शुरू किया और उस बिंदु पे पहुंच गए जहां से रास्ता बंटा हुआ था। वहां पहुंचकर मुकेश ने इधर उधर देखा, उसे दोनों रास्तों में कोई अंतर समझ नहीं आया और वह जल्दी से बाएं तरफ बढ़ गया, जबकि सुरेश बहुत देर तक उन रास्तों की ओर देखता रहा और उन पर आगे बढ़ने के नतीजे के बारे में सोचता रहा। करीब एक घंटे बाद बाईं ओर के रास्ते पर धूल उड़ती दिखाई दी। मुकेश बड़ी तेजी से उस रास्ते से वापस आ रहा था। उसे देखते ही सुरेश मुस्कुराया और बोला, गलत रास्ता। हाँ शायद, मुकेश ने जवाब दिया। दोनों दोस्त छुपकर यह सब देख रहे थे और वे तुरंत उनके सामने आए और बोले, बधाई हो। शुक्रिया, सुरेश ने फौरन जवाब दिया। तुम्हें नहीं, हमने मुकेश को चुना है, दोनों दोस्त एक साथ बोले। पर मुकेश तो गलत रास्ते पर आगे बढ़ा था, फिर उसे क्यों चुना जा रहा है, सुरेश गुस्से में बोला। क्योंकि उसने ये पता लगा लिया कि गलत रास्ता कौन सा है और अब वो सही रास्ते पर आगे जा सकता है, जबकि तुमने पूरा वक्त बस एक जगह बैठकर यही सोचने में गंवा दिया कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। समझदारी किसी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने में नहीं, बल्कि एक समय के बाद उस पर काम करने और तजुर्बे से सीख लेने में है। दोस्तों ने अपनी बात पूरी की। मित्रों, हमारे जीवन में भी कभी न कभी ऐसा क्षण आता है जहां हम निर्णय नहीं कर पाते कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत, और ऐसे में बहुत से लोग बस सोच विचार करने में अपना काफी समय बर्बाद कर देते हैं, जबकि जरूरत इस बात की है कि चीजों को सर्वेक्षण करने की बजाय मुकेश की तरह अपने लक्ष्य को सावधानी पूर्वक समझकर उस पर कार्य किया जाए और अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ा जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो और लेकर आऊँ। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मुझे हौसला मिले। धन्यवाद, सदैव प्रसन्न रहिए।